आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाणी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब। यूपी में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जमीयत उलेमाए हिंद की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रदेश सरकार से 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। बिहार, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में बवाल, छात्रों ने फूंकी ट्रेन, बुकिंग ऑफिस में की गई तोड़फोड़। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। दिल्ली, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। विरोध का सबसे ज्यादा असर बिहार में है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, देश भर में कांग्रेस का सड़कों पर प्रदर्शन, स्पीकर से मिले पार्टी के नेता। आज चौथे दिन भी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी का पूछताछ जारी है। उधर कांग्रेसी नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात कर पुलिस के जुल्म पर ऐतराज जताया। धारावाहिक शक्तिमान पर बनेगी 300 करोड़ की फिल्म, सोनी पिक्चर्स से डील पर मुकेश खन्ना ने किया खुलासा। धारावाहिक शक्तिमान में लीड रोल करके दुनिया भर में मशहूर हुए अभिनेता मुकेश खन्ना ने एक बड़ा खुलासा किया है। मुकेश खन्ना ने अपने चर्चित धारावाहिक शक्तिमान के अधिकार सोनी पिक्चर्स को दे दिया है। अब एक फिल्म कम से कम 300 करोड़ की बनेगी। महज एक रसगुल्ले को लेकर बीच में ही रुक गए फेरे और टूट गई शादी। संभल जिले में चंदौसी इलाके के गांव बनिया ठेर का है मामला। यूपी के संभल जिले में चंदौसी इलाके के गांव बनिया ठेर में बाराती की हलवाई से महज एक रसगुल्ले को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर गांव के ही हलवाइयों ने बारातियों के साथ मारपीट कर दी। हंगामा होने पर लड़की पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। यूपी में जुमे की नमाज पर हुए हिंसा के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन, जगह जगह किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के विरोध में प्रदेश भर में कई जगहों पर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने इस दौरान जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया। इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हुई भारतीय क्रिकेट की टेस्ट टीम, ब्रेक के बाद तरोताजा नजर आए विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट की टेस्ट टीम इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो गई है। एज बेस्टन में 1 से 5 जुलाई तक दौरे का एकलौता टेस्ट खेला जाएगा। यह पिछले साल खेली गई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा होगा। उत्तराखंड में विरोध के बीच सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सेना में जाने का युवाओं के पास यह सुनहरा मौका। अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड में विरोध के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सेना में जाने का यह सुनहरा मौका है, इस योजना का सभी युवाओं को लाभ उठाना चाहिए। सीएम ने बताया कि 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। कहा कि मैं सैनिक का बेटा होने के कारण गौरवान्वित हूँ। राजधानी रांची में फिर से हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश, महिलाओं को ढाल बना सकते हैं उपद्रवी। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट मिलते ही पुलिस अधिकारी सतर्क हो गए हैं। संवेदनशील इलाकों को सील कर धारा 144 लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपद्रवी इस बार महिलाओं को ढाल बनाकर हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। यूपी की जेलों में बंद कैदियों की परिजनों से होगी वीडियो कॉल पर बात, कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अफसरों को निर्देश दिया है कि कैदियों को जेल से अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर बात करने की सुविधा प्रदान की जाए
और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। मायावती बोली, अग्निपथ योजना से युवा आक्रोशित, पुनर्विचार करे केंद्र। अखिलेश यादव ने कहा, भविष्य में खतरनाक साबित होगी केंद्र की योजना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अग्निवीर योजना से देश का युवा आक्रोशित है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सैन्य भर्ती को लेकर जो खानापूर्ति लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है वह भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा। निवेशकों में मचा हाहाकार, मंदी की आहट से शेयर बाजार क्रैश। सेंसेक्स 700 अंक टूटा, निफ्टी भी टूटी। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार ने कुछ ही देर में शुरुआती तेजी खो दी। आर्थिक मंदी की आशंका के चलते सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गिरावट का शिकार हो रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ने का असर भारत में दिख रहा है। एटीएम से निकलने लगे 100 रुपए की जगह 500 के नोट, निकालने वालों की लगी भीड़। महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। इस मामले में तकनीकी गड़बड़ी के कारण एक एटीएम से 5 गुना पैसे निकलने लगे। यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए लंबी कतार में लग गए। बंगाल के मंत्री जी का रोमांटिक अवतार, शतक जड़ने के बाद लहराया लव पेज। बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने शतक बनाने के बाद एक स्पेशल पर्ची लहराया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पर्ची में तिवारी ने दिल की तस्वीर बनाई है। राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस का महासंग्राम। हैदराबाद में लाठी चार्ज, चंडीगढ़ में वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से देश के कई राज्यों में भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने और आगजनी का आरोप लगाया गया। देश में कोरोना मामलों में आया उछाल, 24 घंटे में मिले 12,000 नए संक्रमित, 11 लोगों की हुई मौत। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले में उछाल आया है। बीते 24 घंटे में 12,213 नए संक्रमित मिले हैं, साथ ही 11 लोगों की मौत भी हुई है। बिजनौर में रंजिशन दूसरे को फंसाने के लिए युवक ने खुद को मारी गोली, पुलिस की जांच में झूठी निकली हत्या की कहानी। बिजनौर जिले में रंजिशन दूसरे को फंसाने के कुचक्र में एक युवक ने खुद को गोली मार ली थी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। मां की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया है। इस घटना का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर एटा में पुलिस प्रशासन अलर्ट, डीएम एसएसपी ने मुस्लिम बहुल्य इलाकों में किया फ्लैग मार्च। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। कल यानी आने वाले जुमे और मौलाना तौकीर रजा के बयान के मद्देनजर एटा जिले में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया है। मेरठ छावनी परिषद के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने की बैठक। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और छावनी परिषद कर्मचारी यूनियन 17 जून से करेंगे आंदोलन। मेरठ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन से अवैध कटौती के खिलाफ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और मेरठ छावनी परिषद कर्मचारी यूनियन संयुक्त रूप से 17 जून से छावनी परिषद कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। दोनों यूनियन की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मत से आंदोलन का निर्णय लिया गया। उपद्रवियों से कराई जाएगी प्रयागराज हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई, क्लेम कमिश्नर के यहाँ पेश हुए 3 दावे। प्रयागराज हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराई जाएगी। तकरीबन 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से कराए जाने की तैयारी है।
नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहाँ 3 दावे पेश किए गए हैं। इन दावों में करीब 1 करोड़ रुपए की भरपाई कराए जाने का क्लेम किया गया है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।